नागरिकता कानून और एनआरसी पर चल रहे विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेंशन सेंटर को लेकर अलग अलग बातें की। वहीं सरकार के आंकड़े बताते हैं कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जिसमें 900 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जनवरी 2019 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ कम से कम 1 डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए मैनुअल जारी किया था। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात नई नहीं है। 2009 के बाद से 4 बार राज्य सरकारों को ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री एम रामचंद्रन ने बताया था कि असम में नवंबर 2011 तक 3 डिटेंशन सेंटर थे, जो गोलपारा, कोकराझर और सिलचर में बने थे। वहीं 3 दिसंबर 2019 को AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम में डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर है, जिसमें 28 नवंबर 2019 तक 970 लोग रह रहे हैं। इन 970 लोगों में से 324 महिलाएं भी हैं। 27 नवंबर 2019 को तृणमूल सांसद डॉक्टर शांतनु सेन के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जवाब दिया था कि 2016 से 13 दिसंबर 2019 तक असम में डिटेंशन सेंटर में रह रहे 28 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों की मौत या तो डिटेंशन सेंटर में हुई है या इन्हें जिन अस्पतालों में भेजा गया था वहां हुई है। 2 जुलाई 2019 को भाजपा सांसद पीसी मोहन के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया था कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की आवाजाही रोकने और उन्हें रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2009, 2012, 2014 और 2018 में निर्देश जारी किए गए। वहीं 9 जनवरी 2019 को गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए नियमावली और गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें डिटेंशन सेंटर कैसा होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं, व्यवस्थाएं जैसी जानकारियां दी गई थी। असम में अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए 1985 में असम समझौता हुआ था। इसके तहत असम का नागरिक वही होगा जो 24 मार्च 1971 से पहले से राज्य में रह रहा होगा। इस समझौते में ये भी था कि 25 मार्च 1971 के बाद भी असम आने वाले विदेशियों की पहचान और उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया रखी जाएगी। इसी कारण असम में एनआरसी भी लागू है। 2 जुलाई 2019 को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि असम में 1985 से लेकर 28 फरवरी 2019 तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल ने 63,959 लोगों को विदेशी घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि एनआरसी बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी इसे देश भर में लागू करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन लोकसभा में नागरिकता बिल पर चर्चा के दौरान जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एनआरसी का बैकग्राउंड बना रही है, तब अमित शाह ने खुलकर कहा था, एनआरसी का बैकग्राउंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल साफ हैं कि देश में एनआरसी होकर रहेगा। इसके अलावा मंगलवार को ही इंटरव्यू में अमित शाह ने यह भी कहा कि एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2018-19 के चैप्टर 15 में लिखा है कि एनआरसी बनाने के लिए एनपीआर पहला कदम है। वहीं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में 9 बार यही बात गई। 8 जुलाई 2014 को एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि एनपीआर को रिव्यू किया गया जा रहा है और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन को तैयार किया जाएगा। कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं। क्लैरिटी अटमोस्ट क्लैरिटी ऑन दिस रिगार्ड हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एवरी क्वेश्चन दैट ही वाज आस्क्ड ऑन दिस रिगार्ड ही हैज क्लैरिफाइड एंड एक्सटेंसिवली क्लैरिफाइड। नंबर वन, राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना,
ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। याद होगा आपको कि राफेल के मामले में किस प्रकार से जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्षमा याचना की थी, माफी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया था, सुप्रीम कोर्ट को लेकर झूठ बोला था। प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट को लेकर आज राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के पाए सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि इंडिया में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए आया कि सच में डिटेंशन है या नहीं है। तो आगे देखा नहीं है, यहाँ पर तो है डिटेंशन सेंटर, और जो डिटेंशन सेंटर 46 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत सरकार बना रहा है। तो मोदी जी, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक झूठ बात यहाँ पर बोल दी। यहाँ पर दिसंबर 18 से काम देखभाल कर रहा हूँ, और दिसंबर से शुरू हुआ 2018 को। अभी हम लोग का 70% वर्क कंप्लीट हो गया और 30% अभी बाकी है। हम लोग एक्सपेक्ट किया है कि ये 31 मार्च को हमारा स्कीम कंप्लीट हो जाए। जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।